हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। अभी आपकी बायोलॉजी की क्लास है, जिसमें हम लोग पहले फर्स्ट क्लास में हमने बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट देखा। सेकंड लेक्चर से हम लोग जो जंतु जगत और पादप जगत का वर्गीकरण किया गया है वो देखा, जिसमें हमने विटेकर का पांच जगत वर्गीकरण और पादप जगत का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है ना। विटेकर का पांच जगत वर्गीकरण और पादप जगत का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है। आज हमको करना है जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है। अब जंतु जगत का वर्गीकरण शुरू करने से पहले कल परेश ने बोला था कि आपको बायोलॉजी में या साइंस में पर्टिकुलरली कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों को, परेश को या कोई और भी स्टूडेंट जिसको भी कोई भी दिक्कत आ रही है, आप लोग बार बार पूछ लिया करो। पूछने में ऐसे हेजिटेट नहीं किया करो। एक बार में नहीं समझ में आया, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार पूछना है आराम से पूछो। जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है तब तक पूछो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है वो पूरा अच्छे से मेंशन कर दो कि ये पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रही है, पढ़ाने के तरीके में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो चीज भी बता दो कि इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। जो भी चीजें क्लास में अगर आप आए हो, बैठे हो, तो जब तक समझ में नहीं आता है तब तक पूछते रहो, क्लियर होना चाहिए। क्लास का पर्पज ही यही होता है कि अगर आपने क्लास ली है तो जो चीज आपको क्लास में बताई जा रही हो सीधे आपके दिमाग पर हिट होनी चाहिए, आपको वहीं की वहीं याद होनी चाहिए। अदरवाइज तो आप खुद भी एक बुक उठा के चार लाइन उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लास ले रहे हो तो उसको पूरी तरीके से यूज करो। तो अगर यहाँ पे अभी भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप लोग आराम से पूछ लेना, ठीक है। चलो, तो अब हम आप आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया जाता है, पूरे के पूरे जंतु जगत को, इस धरती के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट्स में। एक को बोलते हैं कशेरुकी, कशेरुकी, और दूसरे को बोलते हैं अकशेरुकी, अकशेरुकी। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, और इसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। इसी को कॉर्डेटा और इसी को नॉन कॉर्डेटा भी बोला जाता है। जैसे कल हमने पादप वर्ग पढ़ा था, तो पहले पादपों को दो वर्गों में विभाजित किया था, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोग्रेमी में, यानी अपुष्पोद्भिद वर्ग में और पुष्पोद्भिद वर्ग में। यानी पहले भगवान ने अपुष्पोद्भिद वर्ग, यानी कि बहुत ही सरल पादपों के निर्माण से इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हुए पुष्पोद्भिद वर्ग में पूर्ण विकसित पौधों के रूप में उन्होंने जटिल संरचना को लेकर आया। वैसे ही जंतु जगत में भी पहले अकशेरुकी के रूप में बहुत सरल संरचना आई, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, जटिल संरचनाएं बनती गई, और फिर कशेरुकी वर्ग अस्तित्व में आया। तो अकशेरुकी वर्ग आपकी सरल संरचनाएं हैं और कशेरुकी वर्ग आपकी जटिल संरचनाएं हैं, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कल हमने पादपों में जब अंतर पढ़ा था, तो पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद में सीधा सीधा सा अंतर था कि अपुष्पोद्भिद यानी ऐसा पौधा जिसमें फल फूल बीज का अभाव होता है, और पुष्पोद्भिद यानी फल फूल बीज होते हैं, जनन करता है, पूर्ण विकसित पौधा होता है। ये इतना सा उनके अंदर अंतर था। लेकिन अब कशेरुकी और अकशेरुकी में हमको पांच अंतर पढ़ने हैं। यहां से पहला क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लो। पहला क्वेश्चन बनता है कशेरुकी तथा अकशेरुकी में अंतर लिखिए, या कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में अंतर स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाएगा, 11 नंबर पे नहीं पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन की प्रवृत्ति उसके पढ़ने से, जब आप मटेरियल कंटेंट पढ़ते हो, आपको खुद ही समझ में आ जानी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन 11 नंबर पे पूछे जाने की संभावना है, कौन सा 5 नंबर में, कौन सा 3 नंबर में। हर कंटेंट ऐसा नहीं होता है जिससे 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, या हर कंटेंट ऐसा भी नहीं होता है जिससे 11 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। उस कंटेंट के ऊपर, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, आपकी एग्जाम में वो कितना अप्लाई हो रहा है, उन सब के ऊपर उनके मार्क्स डिवाइड होते हैं, और उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपसे कितने नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन? 3 नंबर और 5 नंबर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? कशेरुकी तथा अकशेरुकी के मध्य अंतर स्थापित कीजिए, या कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में अंतर स्थापित कीजिए। तो इनमें अंतर होता किस आधार पे है? इनमें अंतर का मूल आधार है मेरुदंड, आपकी रीढ़ की हड्डी,
जंतुओं में अंतर का मूल आधार है जो कशेरुकी और अकशेरुकी में बांटा गया है, उसका सबसे मूल आधार, सबसे बेसिक पॉइंट, पहला पॉइंट जो आपको आपकी कॉपी में लिखना है कंपल्सरीली, यही पहला पॉइंट होना चाहिए, जो आधार है मेरुदंड। अब इसका क्या मतलब है, ऐसे जीव जिनमें मेरुदंड, कशेरुकी दंड या पृष्ठरज्जु, बहुत सारे नाम है इसके, रीढ़ की हड्डी पाया जाता है उसको बोलते हैं अकशेरुकी। ये जीवन के किसी भी क्रम में पाया जा सकता है, हो सकता है बचपन में पाया जाता है और फिर जैसे जैसे वो जीव बड़ा होता है वैसे वैसे गायब हो गया, लेकिन जीवन के किसी न किसी क्रम में उस जंतु में अगर मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं कशेरुकी, वर्टुब्रेट्स या कॉर्डेटा। और ऐसे जीव जिनमें जीवन के किसी भी क्रम में कभी भी मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी या आपका बैकबोन नहीं पाया जाता है उसको अकशेरुकी, नॉन कॉर्डेटा और नॉन वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। पहला अंतर क्लियर हुआ किसके आधार पर था, यहां से देखते हैं। पहला अंतर हमने किसके आधार पर देखा, रीढ़ की हड्डी के आधार पर, रीढ़ की हड्डी के आधार पर। अब आगे दो मीनिंग समझो, दो वर्ड्स के मीनिंग, एक होता है अधर तल और एक होता है पृष्ठ भाग। पृष्ठ भाग इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोर्सल, ठीक है। अधरतल यानी पेट वाला हिस्सा, किसी भी जंतु का जो पेट वाला हिस्सा होता है, अगर चार पैर वाला जंतु है तो उसका जो पैर वाला निचला हिस्सा होगा, पेट वाला हिस्सा, स्टमक वाला हिस्सा, उसको आप बोलते हैं अधरतल या वेंट्रल। जैसे हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, हमारा चेस्ट हो गया, हमारा स्टमक हो गया, ये सारी चीजें हमारे अधर तल में पाई जाती है। और डोर्सल या पृष्ठभाग यानी आपकी पीठ वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं डोर्सल या पृष्ठभाग। जैसे हमारा रीढ़ की हड्डी हो गई, ये हमारे यहाँ पे कहाँ पाई जाती है, पृष्ठभाग में, डोर्सल वाले पार्ट में। तो दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आया, अधर तल या वेंट्रल का मतलब होता है पेट वाला, स्टमक वाला हिस्सा, और पृष्ठभाग या डोर्सल का मतलब होता है पीठ वाला हिस्सा, ठीक है। क्यों बताया, आगे बताऊंगी। पहला रीढ़ की हड्डी के आधार पर हमने अंतर देखा, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कशेरुकी या कॉर्डेटा बोलते हैं, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको नॉन कॉर्डेटा या अकशेरुकी जंतु बोलते हैं। दूसरा आधार है हृदय, दूसरा आधार है हृदय। ऐसे जीव, अब देखो जो कशेरुकी जीव होते हैं, हम कशेरुकी जीव है, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, हमारा हृदय अधर तल में या पृष्ठ भाग में है, हमारा जो हृदय है वो अधर तल में है या पृष्ठ भाग में, तो पेट वाले हिस्से में ही है हमारा, आगे वाले हिस्से में ही है। तो जो कशेरुकी जीव होते हैं उनमें जो हृदय पाया जाता है वो अधर तल में पाया जाता है, जबकि जो अकशेरुकी जीव होते हैं उनमें जो हृदय पाया जाता है वो उनके पीठ वाले हिस्से पे होता है, पृष्ठ भाग में, डोर्सल पार्ट में होता है। समझ में आया अंतर, अपने आप को डालना, कशेरुकी जहां पे भी आता है अपने आप को डालना, ठीक है, तो उससे आप अंतर निकाल दोगे। तो हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है पहली चीज, तो कशेरुकियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जो हमारे अंदर पाया जाता है वो उनमें नहीं पाया जाता है, या जिस पार्ट में हमारे अंदर पाया जाता है उसके अपोजिट पार्ट में अकशेरुकियों में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कशेरुकिया है अपने आप को खड़ा कर लो वहां पे। तो हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है यानी हम कशेरुकी हो गए, फर्स्ट पॉइंट। हमारे अंदर जो हृदय है वो अधर तल में, पेट वाले हिस्से में, वेंट्रल पार्ट में पाया जाता है, जबकि अकशेरुकियों में डोर्सल पार्ट में, पृष्ठ भाग में पाया जाता है। तीसरा होता है अंतर का आधार, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा आधार क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसका क्या मतलब है, अब हम में यानी कशेरुकियों में जो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है ये पृष्ठ भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पृष्ठ भाग में। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसी से तंत्रिका तंत्र निकली होती है और वो निकल के यहाँ से आपकी गर्दन के यहाँ से फैल के पूरे मस्तिष्क में फैली हुई है, ठीक है। तो कशेरुकियों में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो पृष्ठ भाग में, डोर्सल वाले पार्ट में पाया जाता है, और खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है, ठोस होता है और खोखला होता है, और पृष्ठ भाग में पाया जाता है, जबकि अकशेरुकियों में ये पाया जाता है अधर तल में, उल्टा, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अगर हम कशेरुकी की बात करें यानी हम अपनी बात करें तो हमारे पृष्ठ भाग में पाया जाता है, और अगर हम अकशेरुकी की बात करें तो उनके अधर तल यानी पेट वाले हिस्से में पाया जाता है। तो हृदय अपने आप को डालना, हमारा हृदय आगे वाले पार्ट भाग में, वेंट्रल अधरतल पार्ट में, तो कशेरुकियों में पीछे वाले भाग में होगा, पृष्ठ भाग में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा पीछे वाले भाग में, पृष्ठ भाग में, डोर्सल में, तो अकशेरुकियों में आगे वाले पार्ट में होगा, अधरतल में होगा। तीन अंतर समझ में आए।
चौथा अंतर इनके नाम में ही है कि इनको कशेरुकी और अकशेरुकी को कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा भी बोलते हैं, और अगर कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में क्वेश्चन आता है तो इनको कशेरुकी और अकशेरुकी भी कहते हैं। एक और अंतर है इनका द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति, सममिति इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसका क्या मतलब होता है, एक मानव का चित्र बनाओ, ये मानव बनाया हमने, ठीक है, इसको मैंने बीच में से काट दिया, बिल्कुल बराबर से बीच में से काट दिया, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बिल्कुल बराबर होगा, इधर एक हाथ होगा तो इधर भी एक हाथ होगा, इधर एक पैर होगा तो इधर भी एक पैर होगा, फेफड़े दो भागों में बढ़ जाएंगे, किडनी दो भागों में बढ़ जाएगी, आंखें दो भागों में बढ़ जाएगी, नाक दो भागों में बढ़ जाएगा, एक कान इधर एक कान इधर, एक मुंह इधर, मुंह भी दो हिस्सों में इसका टुकड़ा हो जाएगा। तो जब एक जंतु को बराबर बीचों बीच से काटा जाता है तो उसके दोनों हिस्से जब बिल्कुल आपस में बराबर होते हैं तो उसको बोला जाता है द्विपार्श्व सममिति। तो जो कशेरुकी जंतु होते हैं यानी हम जो होते हैं वो द्विपार्श्व सममित होते हैं, जबकि अकशेरुकी जो होते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेटा जो होते हैं वो द्विपार्श्व सममित नहीं होते हैं, वो द्विपार्श्व सममित नहीं होते हैं। पांच आधारों पर मैंने आपको अंतर बताया, नोट्स में चल के पढ़ लेते हैं। समझ में आ गया इतना कि फिर से एक्सप्लेन करूं, एक बार बता दो, ये आपसे पांच नंबर ये क्वेश्चन यहीं के यहीं प्रिपेयर हो गया है, याद हो जाना चाहिए आपको, सीधा आपको आंसर लिखना है उनके ऊपर, क्योंकि पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पांच नंबर रेडी हो गए ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो इसलिए समझ के जाना, जो भी प्रॉब्लम आ रही है 10 बार पूछना हो आराम से पूछो, नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन बिना समझे यहां से जाना नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते जाते हैं हम इसको, जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का जो वर्गीकरण है मैंने आपको बताया दो भागों में होता है, अकशेरुकी जंतु यानी इनवर्टिब्रेट्स और कशेरुकी जंतु यानी कि वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इन जंतुओं के शरीर में कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता है, कशेरुकी दंड का मतलब क्या हुआ, मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी, जबकि इन जंतुओं के जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में कशेरुकी दंड अवश्य पाया जाता है। पहला आंसर क्लियर हुआ। दूसरा, कशेरुकी, यहाँ पे कौन से हैं अकशेरुकी और यहाँ पे कौन से हैं कशेरुकी, ठीक है। अकशेरुकियों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस और दोहरा होता है जो अधर तल में पाया जाता है, कहाँ पाया जा रहा है, अधर तल में, ये ठोस होता है और दोहरा होता है, जैसे आपने ये इस तरह से और इसके नीचे भी एक संरचना होगी तो ऐसे दोहरा पाया जाता है, ठीक है, तो अधर तल में और दोहरा पाया जाता है, जबकि कशेरुकी यानी हम में तंत्रिका तंत्र खोखला और एकल होता है जो पृष्ठीय भाग में पाया जाता है। तीसरा अंतर है हृदय, जो अकशेरुकी है, अकशेरुकी में अगर हृदय उपस्थित है, सब में नहीं होता है, क्योंकि अगर हृदय, अगर हृदय उपस्थित है तो हृदय पृष्ठ भाग में होता है, हम में यानी कशेरुकियों में हृदय अधर भाग में होता है। चौथा अंतर, ये द्विपार्श्व सममित नहीं होते हैं अकशेरुकी, हम द्विपार्श्व सममित होते हैं, अकशेरुकियों को नॉन कॉर्डेटा भी बोलते हैं और इनको कॉर्डेटा भी कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया, पूरा क्लियर। अब हम अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। कंसेप्ट्स मिक्स हो जाते हैं आपसे, अभी अभी जैसे समझा रही हूं मैं परेश, अभी आपको अभी भी कंसेप्ट्स मिक्स हो रहे हैं क्या? हाँ, इनवर्टिब्रेट्स होता है, सॉरी, दोनों तो है, मतलब क्या पूजा, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वेंट्रल नहीं समझ में आया है क्या भोपाली, वेंट्रल नहीं समझ में आया क्या? बता दो आप लोग एक बार, फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, आगे जब भी समझ में नहीं आता है पूछ लेना, जितनी बार आपको पूछना है कोई दिक्कत नहीं है।
चलो पूछते जाओ, आपको जो भी पूछना है। अभी हम शुरू करते हैं अकशेरुकी जंतुओं से। कहां से शुरू कर रहे हैं? अकशेरुकी जंतुओं से। अकशेरुकी का मतलब अभी बताया, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और जो सबसे सरल जीव थे, शुरुआत में भगवान ने जिनको बनाना शुरू किया, जो सबसे सरल जीव थे। अब इनको याद कैसे करना है देखो, क्योंकि नाम आपको याद हो जाएंगे, आप आराम से डिफरेंस क्लियर कर पाओगे। तो आप याद रखना, एक ट्रिक याद कर लो, पापा सीएम से पेन लाओ। ठीक है, ये जो इंग्लिश वाले नाम है वो इंग्लिश में ही लिखना, जो हिंदी वाले नाम है वो हिंदी में ही लिखना। ठीक है, क्या बोला मैंने? पापा पी ए पी ए सी एम से पी ई एन पेन लाओ। अब यहां से क्या वर्ड निकलते हैं? नौ प्रकार के आपके अकशेरुकी जीव होते हैं। क्या क्या बनता है यहां से? पी फोर प्रोटोजोआ, ठीक है, यहां से बनता है आपका एनेलिडा, फिर यहां से आपका बनता है प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, सही है ना? एक सेकंड में देख लो, पोरीफेरा है, सॉरी प्रोटिस्टा यहां नहीं होता है, वो वीटेकर में होता है, पोरीफेरा। फिर यहां है आपका आर्थोपोडा, ठीक है, सी का मतलब होता है फिर सिलेंट्रेटा, एम का मतलब फिर होता है आपका यहाँ पे मोलस्का, ठीक है, पी का मतलब होता है प्लेटी हेलमिंथिस, ई का मतलब होता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, और एन का मतलब होता है निमेटोडा। नाम याद हो जाएंगे, पापा सीएम से ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो ये याद हुआ आपको, क्या पढ़ रहे हैं? अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतुओं के नाइन टाइप्स है, नौ प्रकार है। उन नौ को याद करने की ट्रिक है, पापा सीएम से पेन लाओ, पी ए पी ए फोर प्रोटोजोआ एनालिडा पोरिफेरा आर्थोपोडा, सीएम फोर सिलेंट्रेटा एंड मोलस्का, पीई एन फोर प्लेटी हेलमिंथिस इकाइनोडर्मेटा एंड निमेटोडा। क्लियर हुआ? अब एक एक के ऊपर चलते हैं। शुरुआत करते हैं प्रोटोजोआ से। कहां से शुरुआत कर रहे हैं हम? प्रोटोजोआ से। सबके नाम ध्यान रखना और सबका डायग्राम ध्यान रखना, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। क्या चीजें बोल रही हूं? एक, पहला इनका नाम याद रखना है और दूसरा इनके डायग्राम को ध्यान में रखना है। आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा पॉइंट याद नहीं करने। मैंने आपको पांच छह पॉइंट हर पर्टिकुलर वर्ग का बताया है, लेकिन आपको मैक्सिमम तीन पॉइंट रटे हुए होने चाहिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको ज्यादा इसलिए दिए कि उन पांच में से जो तीन आपको याद रहे वो याद कर लो, लेकिन याद तीन भी रहे आपका आंसर बन जाएगा। पांचों याद रह जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तीन तो कंपलसरी सबको याद करने ही है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है याद करने में? इनके नाम को ध्यान रखना है और इनके डायग्राम को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो यही याद हो जाएंगे आपको ये सब। प्रोटोजोआ के ऊपर चलते हैं। प्रोटोजोआ नाम शुरू किससे हो रहा है? प्रो, प्रो मतलब प्रारंभिक, जो सबसे पहले आया। प्रो मतलब प्रारंभिक, जो सबसे पहले आया। तो प्रोटोजोआ पृथ्वी पर आने वाला प्रथम जंतु था। नाम नहीं, इसके नाम नहीं बता दिया कि ये पृथ्वी पर आने वाला प्रथम जंतु था। प्रथम जंतु था यानी भगवान एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो बहुत सारी कोशिकाएं तो डालेंगे नहीं, इसलिए ये एक कोशिकीय जंतु था। इसीलिए ये कैसा था? एक कोशिकीय जंतु था। अब सिर्फ एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका खाना भी पचा रही है, आपकी एनर्जी भी दे रही है, आपका जनन का काम भी कर रही है, आपका जो भी काम हो रहा है श्वसन वगैरह, वो सब ये पर्टिकुलर एक कोशिका कर रही है। तो जनन अंग अलग अलग नहीं है ना कि मादा अलग हो गई और पुरुष अलग हो गया, मेल फीमेल अलग हो गए, एक ही एक कोशिका है। तो इनमें जो जनन होता है वो उसी कोशिका में विभाजन द्वारा हो जाता है। जैसे इस प्रकार से इसका एक एग्जाम्पल होता है अमीबा, जब इसको जनन करना होता है तो ये इस प्रकार से अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेती है और फिर आगे जाके ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इनमें जो जनन होता है वो इस तरीके से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो जनन कैसे होता है इनके अंदर? कोशिका विभाजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा। इसके एग्जाम्पल होते हैं आपका अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि।
इतना समझ में आया? प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ के नाम पे जाएंगे तो पी प्रो, प्रो प्रो मतलब प्रारंभिक, यानी जीवन आने वाला, पृथ्वी पर आने वाला प्रथम जंतु। पहला जंतु था बहुत सरल होगा, यानी एक कोशिकीय, एक ही कोशिका है तो जनन अंग अलग अलग होंगे ही नहीं, तो अपने आप ही को तोड़कर अपने बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो जनन के लिए ये कोशिका विभाजन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि। समझ में आ गया? क्लियर कट? ये कट ऑफ वाले क्वेश्चन और ये सब क्लास में मत पूछा करो, इससे समझ में आता है कि आप लोगों का क्लास में ध्यान ही नहीं है और आप लोगों का ध्यान इधर उधर ही जा रहा है। जब आप यहाँ पर बैठे हो तो क्लास में बैठो, क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करो। ये सारे क्वेश्चन के लिए आपको बाद में भी टाइम मिलता है, बाद में पूछ लिया करो। अभी मैंने क्या समझाया, वहां पर आपका ध्यान ही नहीं गया, आपका ध्यान कट ऑफ पे था। ठीक है, तो प्रोटोजोआ समझ में आ गया, अब अगले पे चलते हैं। मैं इसका डायग्राम और आपको बता देती हूँ और पढ़ के भी बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है, फिर हम अगले पे चलते हैं। प्रोटोजोआ, इनका अर्थ है प्रथम जंतु, अर्थात ये प्रकृति में उत्पन्न होने वाले सबसे पहले जीव थे। ये एक कोशिकीय जंतु है, इनमें जनन कोशिका द्वारा विभाजन होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है, जैसे अमीबा बताया मैंने, कैसे भी हो जाती है ये, कुछ भी अमीबा बन जाती है। ठीक है, तो इनका आकार अनिश्चित होता है, उदाहरण के लिए युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। अब इनका डायग्राम देख लो आप लोग एक बार, ये देखो ये है सारे इनके आकार, देख रहे हो आप, सबके कुछ भी आकार है ना, कोई पर्टिकुलर एक निश्चित आकार नहीं है इनका। तो ये है आपका अमीबा, ये वाला, ये ऐसे ऐसे शेप में जो दिख रहा है आपको, ये है अमीबा, ये है आपका पैरामीशियम, ठीक है, ये है आपका युगलिना। युगलिना की क्या विशेषता होती है, युगलिना जंतु और पादप के बीच की कड़ी होती है, जंतु और पादप के बीच की कड़ी होती है, यानी ये ना तो पूरी तरह से जंतु है ना पूरी तरह से पादप है, तो युगलिना जंतु और पादप के बीच की कड़ी होती है। ये है आपका स्पोरोजोआ, ये है फ्लैजिलेरा, फ्लैजिला, ये है सिनीटिया और ये है रिजोपोडा। तो ये सारे आपके उदाहरण है, तीन नाम मुझे सबसे इजी लगते हैं याद करने में, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद सेकेंड नाम पे हम चलते हैं, वो है पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा, अब वापस इसके नाम पे चलेंगे, इसी के नाम से हमको आंसर मिल जाएगा। मतलब एक जंतु कैसे भी आकार का हो सकता है, मान लो हम हैं, है ना, हम इंसान हैं, तो हमारा सबका आकार सेम है ना, कि एक आंख होगा, दो हाथ होंगे, दो आंखें होंगी, इसी तरह की एक नॉर्मल संरचना देख के समझ जाते कि इंसान है ना। जो चीता होता है, टाइगर होगा, या आपका जो भी जानवर होगा, सबके आकार सेम होते हैं, तो हमको पता चलता है कि पर्टिकुलर चीता है या ये। एक अमीबा आपको ऐसा भी मिल सकता है, दूसरा अमीबा आपको ऐसा भी मिल सकता है, कोई ऐसा भी मिल सकता है, इस तरीके से। एक ही अमीबा का बार बार आकार चेंज नहीं होगा, दूसरे अमीबा का आकार पहले अमीबा के आकार से चेंज हो सकता है, यानी इनका आकार इस तरह से अनिश्चित होता है। अभी हो गया क्लियर? चलो अब हम आते हैं पोरीफेरा के ऊपर, फिर से इसके नाम में चलो, इसके नाम से आपको आराम से तीन पॉइंट मिल जाएंगे और इसके डायग्राम से भी आपको तीन पॉइंट मिल जाएंगे। पोरीफेरा, पोरी क्या नाम आ रहा है पहला, पोरी, पोरी को इंग्लिश में हम बोलते हैं पोरस, पोरस, पोरस का मतलब होता है हिंदी में छिद्र, पोरस का मतलब क्या होता है, छिद्र। तो पोरी, पोरी यानी पोरस, पोरस, पोरस संरचना, तो पोरस मतलब छिद्र, ठीक है, पोरस मतलब छिद्र। तो पोरीफेरा ऐसा जंतु है जिसकी संरचना छिद्र वाली होती है, जिसकी संरचना कैसी होती है, छिद्र वाली होती है। ये हमको कहां से पता चला, इसके नाम ने ही बोला, इसके नाम ने बोला पोरीफेरा, पोरस, पोरीफेरा मतलब पोरस और पोरस मतलब छिद्र, ठीक है, तो संरचना छिद्र वाली होती है। दूसरी इसकी विशेषता, अब छिद्र वाली है, एक कोशिकीय जीव हमारा आ गया, क्या, प्रोटोजोआ, लेकिन अब ये अगला जीव है, इसमें थोड़े और एक्सपेरिमेंट कर दिए, तो इसको क्या बना दिया, बहुकोशिकीय, क्या बना दिया इसको, बहुकोशिकीय। लेकिन अभी सिर्फ भगवान ने क्या किया, कोशिकाएं डाल दी, कोशिका से हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं उत्तक बना लेती है और फिर उत्तक से अंग बन जाता है। पोरीफेरा में क्या किया, उसको बहुकोशिकीय तो बना दिया, लेकिन अभी इसमें उत्तक नहीं बनाए, उत्तक नहीं बनाए, कोशिकाएं बहुत सारी है,
हर कोशिका का अपना अपना स्वतंत्र कार्य बांट दिया, लेकिन उन कोशिकाओं में आपस में समन्वय नहीं है, वो आपस में बात नहीं कर रही है। एक कोशिका को बोला तुमको खाना पचाना है, दूसरी कोशिका को बोला तुमको वृद्धि का काम देखना है, तीसरी कोशिका को बोला तुमको जनन का काम देखना है, लेकिन इन तीनों कोशिकाओं के आपस में कोई मेलजोल नहीं है। ये अपना काम कर रही है, इसको नहीं पता दूसरी कोशिका क्या कर रही है, दूसरी कोशिका को हेल्प करना है क्या करना है कोई मतलब नहीं, इसको अपना काम करना है, इसको अपना काम करना है, तीनों में कोई समन्वय नहीं है क्योंकि ये उत्तक नहीं होते हैं। तो ये बहुकोशिकीय होता है लेकिन इनमें उत्तक नहीं होते हैं। हर कोशिका जो होती है इनमें, तीसरा पॉइंट, पहला इसकी संरचना छिद्र वाली होती है, दूसरा ये बहुकोशिकीय होते हैं लेकिन इनमें उत्तकों का अभाव होता है, तीसरा हर कोशिका जो होती है वो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती है। अपना कार्य कैसे करती है? स्वतंत्र रूप से करती है, उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं पाया जाता है, उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं पाया जाता है। चौथा पॉइंट क्या होता है, अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगी तो समझ में आया। पेड़ पौधे क्या होते हैं? जमीन के ऊपर चिपके हुए होते हैं। जैसे ये आपकी जमीन है, यहाँ से पौधा निकला हुआ है तो इस जमीन के ऊपर सटा हुआ है ये पौधा। लेकिन क्या जंतु हमेशा जमीन के ऊपर सटे हुए रहते हैं क्या, एक ही जगह पे, या फिर चलते फिरते रहते हैं? चलते फिरते रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ खड़ी हो गई तो यहीं की यहीं खड़ी रह जाऊंगी, यहाँ से कहीं और जा सकती हूँ, कहीं और से कहीं और जा सकती हूँ। लेकिन जो पोरीफेरा होता है इसकी विशेषता क्या है कि जैसे पौधे जमीन के ऊपर या किसी भी संरचना के ऊपर, चाहे वो जमीन हो चाहे लकड़ी हो चाहे कोई भी संरचना, उसके ऊपर चिपक जाता है, वैसे ये पोरीफेरा भी समुद्र में पाया जाता है और समुद्र की किसी भी संरचना के ऊपर, चाहे वो जमीन हो या वहां की कोई और संरचना हो, उसके ऊपर हमेशा चिपका हुआ रहता है। ये इस पोरीफेरा की विशेषता होती है। अगली विशेषता क्या होती है, ये किसी संरचना के ऊपर हमेशा चिपका हुआ रहता है। चलो नोट्स में से देखो, डायग्राम देखो, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। पहले इसका डायग्राम देख लो फिर हम इसको पढ़ेंगे। देखो ये छिद्रनुमा संरचना दिख रही है आपको, ये खड्डे से दिख रहे हैं, इसमें छिद्र दिख रहे हैं, ये ऐसे छिद्रनुमा संरचना होती है। और अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे जैसे पौधा उगा हुआ होगा वैसा आपको महसूस हो रहा होगा कि जैसे इस जगह पे कोई पौधा उगा हुआ है, जबकि ये पौधा नहीं है, ये एक जीव है, एक जंतु है, लेकिन ये किसी भी संरचना के ऊपर चिपका हुआ रहता है तो पौधे जैसा फील होता है, लेकिन ये क्या है, एक जंतु है। इसका एक और एग्जाम्पल देखो, ये देखो ये भी आपको दिख रहा है, छिद्र छिद्र से दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे छिद्र दिख रहे हैं आपको, और ये ऐसा ही है जैसे कहीं चिपका हुआ है ना। तो क्लियर हो गया ये वाली चीज। अब हम इसको पढ़ लेते हैं नोट्स में से। पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा, इनका अर्थ है छिद्र धारक, अर्थात इनके संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। ये ऑस्टिया नाम याद रहता है तो याद करो, नहीं रहता है तो कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता है पोरीफेरा मतलब कोई छिद्र वाला जंतु, आपका पूरा मार्क्स मिल गया। ऑस्टिया याद रहता है याद करो, नहीं रहता है लोड मत लो, है ना, इजी बनाओ हर सब्जेक्ट को, जबरदस्ती डिफिकल्ट मत करो उसको। मैंने यहाँ पे दे दिया कि आपको पता होना चाहिए, लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ है छिद्रधारक, अर्थात इनके संपूर्ण शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। यह बहुकोशिकीय जंतु है जिनमें उत्तकों का अभाव होता है। इन जंतुओं की प्रत्येक कोशिका अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करती है जिनमें परस्पर समन्वय नहीं पाया जाता है। इस संघ के अधिकांश जंतु जल में पौधों के समान पत्थरों या जलीय संरचनाओं पर चिपके रहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको कंपल्सरी लिखना है, उसका नाम है स्पंज। क्योंकि आपने देखा छिद्र छिद्र वाली संरचना होती है, स्पंज भी सबने देखा होगा, आराम से ऐसे दब जाता है, संपीडन हो जाता है उसका। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्पंज, क्योंकि इसकी संरचना वैसी होती है, आराम से इसमें कंप्रेशन हो जाता है। तो पोरीफेरा का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्पंज, यूस्पॉन्जिया, इसके अलावा है मायोनिया, साइकॉन और हाइलोनेमा। हर वर्ग के तीन तीन एग्जाम्पल लिख लिख के याद कर लेना, अलग से तीन नंबर में पूछे जा सकते हैं। जितने भी वर्ग, नौ वर्ग अभी हम पढ़ेंगे, उन सब के तीन तीन एग्जाम्पल लिख लिख के याद कर लेना, तीन नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं तीसरे के ऊपर, सॉरी, तीसरा अब आता है आपका सिलेंट्रेटा। एक सेकेंड, ठीक है, तीसरा आता है आपका सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा,
अब इसमें क्या होता है, सिलेंट्रेटा में क्या होता है, देखो इसका डायग्राम देख लो तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। ये देखो इसका डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो संरचना है वो ऐसे छतरी नुमा दिख रही है, ये एक छतरी है और ये ऐसे छतरी नुमा संरचना दिख रही है इसकी, ठीक है ये वाली। और फिर यहां अगर आप देखोगे तो ये भी एक छतरी नुमा संरचना दिख रही होगी, है ना, यहाँ पर भी आप देखोगे ये भी छतरी नुमा संरचना दिख रही है। तो सिलेंट्रेटा की पहली विशेषता होगी कि इनकी जो संरचना होती है वो छातानुमा होती है। दूसरी विशेषता ये देखो, यहाँ से अगर आपको दिख रहे हैं तो ऐसे ऐसे तीखे तीखे पार्ट निकले होते हैं इसके शरीर से, सिलेंट्रेटा से ऐसे तीखे तीखे से पार्ट निकले होते हैं, इनको बोलते हैं दंश कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इनको? दंश कोशिकाएं। ये क्या करती है? शिकार को पकड़ने में, अपनी रक्षा करने में ऐसे काम में आती है। अब ये आगे आ गया तो ये बहुकोशिकीय हो गए, इनमें उत्तक भी होंगे, पहले वाला एक कोशिकीय था, फिर पोरीफेरा में पोरस पोरस थे तो बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग काम कर रही थी लेकिन उत्तक नहीं थे। सिलेंट्रेटा में दंश कोशिकाएं आ गई मतलब उत्तकों के रूप में सब सामान्य रूप से काम कर रही, तो इनमें बहुकोशिकों के साथ उत्तक भी आ गए। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ लेते हैं। अब इसको आप पढ़ के देखो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिलेंट्रेटा, ये पहला तो पॉइंट क्या हो गया इसका कि ये बहुकोशिकीय जंतु है ना, पहला पॉइंट। दूसरा, इनके शरीर के संपूर्ण कार्य उत्तकों द्वारा संपन्न होते हैं। कैसे याद रखो कि सिलेंट्रेटा में दंश कोशिकाएं होती है, ये तो याद रह गया ना। अब दंश कोशिकाएं क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है और एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, तो जब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह एक एक जैसा काम करता है तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? उत्तक बोल देते हैं। तो इसलिए इसमें याद रख लेना कि इसके इसमें उत्तक होते हैं। पोरीफेरा में अलग अलग पोरस है, अलग अलग छिद्र है, सब अपने अपने काम कर रही है, तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं तो होती है लेकिन उत्तक नहीं होता है। सिलेंट्रेटा में बहुत सारी कोशिकाएं भी होती है, इन्हें बहुकोशिकीय भी होता है, उत्तक भी होता है। इनका आकार बेलनाकार पाइप के समान या छाते के समान होता है। इनके शरीर में विशेष दंश कोशिकाएं पाई जाती है जो शिकार पकड़ने और शत्रुओं से रक्षा करने के काम में आती है। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लो, ठीक है, तीन तीन एग्जाम्पल सबको याद करने, ध्यान रखना। इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? हाइड्रा, मूंगा। मूंगा जो प्रवाल भित्ति हम पढ़ते हैं, कोरल रीफ्स पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में खूब पढ़ा होगा, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ्स, वो सिलेंट्रेटा होती है आपके। कौन से वर्ग का जंतु है? वो सिलेंट्रेटा वर्ग का जंतु है। तो हाइड्रा, मूंगा, सी एनामोन। अब यहाँ देखो ये दो चीजें आप ध्यान रखना, डाइफिश और जेलीफिश। इनके नाम के पीछे क्या आ रहा है? फिश। लेकिन ये फिश नहीं है, ये मत्स्य नहीं है, ये सिलेंट्रेटा है। मत्स्य हम बाद में पढ़ेंगे। इनके नाम के पीछे फिश आ रहा है, डाइव फिश एंड जेली फिश, लेकिन ये फिश नहीं है, सिलेंट्रेटा वर्ग का जंतु है। अब कुछ और विशेषताएं देख लो, दो इंपॉर्टेंट सिलेंट्रेटा ग्रुप होते हैं, पहला ग्रुप होता है हाइड्रा और दूसरा ग्रुप होता है मूंगा या कोरल। इनकी विशेषता क्या है? मूंगा जो होता है वो समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है, कॉलोनी बनाकर रहता है। देखा हमने बहुत सारी कोरल रीफ से एक साथ दिखती है, तो मूंगा जो होता है वो कोरल जो होता है वो समूह में रहता है, जबकि हाइड्रा जो होता है वो एकाकी रूप में, हाइड्रा को अकेले रहना पसंद है। और ये जो हाइड्रा है इसमें न तो श्वसन अंग होता है और न ही रक्त तंत्र होता है, न रक्त परिसंचरण जैसा कुछ होता है इसमें, न श्वसन अंग होता है। तो भैया रक्त तो चलो नहीं होता है तो उसकी जगह भगवान ने कुछ और बनाया होगा, लेकिन श्वसन ही नहीं करेगा तो क्या काम करेगा, फिर जिंदा कैसे रहेगा? तो श्वसन अंग पर्टिकुलर नहीं होता है बल्कि विसरण के द्वारा प्रशन श्वसन होता है, यानी कि जो इनकी कोशिकाएं होती है विसरण में क्या होता है? विसरण में होता है कोई भी चीज अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाली जगह पर जाती है। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती से क्या होता है? खुशबू चारों तरफ फैलती है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से जहां जहां खुशबू नहीं है वहां वहां कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फैल जाती है। वैसे इनमें विसरण के द्वारा श्वसन होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाली जगह पर इनमें लेन देन होता रहता है गैसेस का, ऑक्सीजन वगैरह का। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा समझ में आया आपको पूरा? ये दो पॉइंट्स जो मैंने आपको बाद में बताए ये आपको आपके आंसर में इंक्लूड नहीं करने हैं, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है। ऊपर के पांच पॉइंट्स से ही आपको काम चलाना है। पहला, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा क्या है? बहुकोशिकीय जंतु, इनमें होती है दंश कोशिकाएं जो शत्रुओं को पकड़ने के काम में आती है, इसलिए इनमें बहुकोशिकाओं के साथ में उत्तक भी होते हैं। और क्या है इनका विशेषता? दंशकोश। इनका एग्जाम्पल हाइड्रा, मूंगा और एक और मैं भूल गई, इनका आकार बेलनाकार या छाते के समान होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया सिलेंट्रेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, अब फिर आगे चलते हैं हम।
सिलेंट्रेटा के बाद आता है प्लेटी हेलमिंथीस, अगला नाम आता है आपका प्लेटी हेलमिंथीस। अब ये क्या चीज है, कैसे याद करोगे? प्लेटी हेलमिंथीस, प्लेट्स सबने देखी है घरों में, प्लेट खाना खाते हैं जिनमें, कैसी होती है? चपटी होती है। प्लेट्स कैसी होती है? चपटी होती है। तो वैसे प्लेटी हेलमिंथीस एक प्रकार का कीड़ा है, कृमि है, जो चपटा होता है। कीड़े छोटे 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 से कीड़े देखते हैं हम, हमारे पेट में भी होते हैं, श्वसन के द्वारा भी जाते हैं, ऐसे बाहर भी कीड़े मकोड़े होते हैं, तो एकदम छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे कीड़े जो होते हैं, प्रॉपर बैक्टीरिया नहीं है, इनका टाइप अलग है, ये प्लेटी हेलमिंथीस है, बट उतने छोटे छोटे होते हैं, और प्लेट के नाम से ध्यान रखना चपटे होते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथीस क्या होते हैं? चपटे कृमि, चपटे कीड़े, चपटे कृमि। अब ये जो कृमि होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में पेट के कीड़े हो जाते हैं, तो उनके उपचार के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी बहुत सारी दवाइयां देती है ना, तो उसी प्रकार के कीड़े हैं ये, चपटे कृमि है, जो रोग फैलाने का काम करते हैं, और ये परजीवी होते हैं, मतलब किसी दूसरे के शरीर में निवास करते हैं, परजीवी, दूसरे के यहाँ पे जीने वाले, दूसरे के शरीर में जीने वाले। तो तीन विशेषताएं क्या हुई, प्लेटी हेलमिंथीस, प्लेट चपटी होती है, तो इसके नाम से हमको क्या पता चला कि प्लेटी हेलमिंथीस चपटे कृमि होते हैं, कृमि यानी कीड़े मकोड़े जो रोग पैदा करते हैं, तो ये रोग कारक होते हैं। तीसरा, ये परजीवी होते हैं यानी किसी दूसरे के शरीर में रहते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, फीता कृमि, प्लेनेरिया आदि। चलो नोट्स में से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, बस इतना इतना याद रखना इनके बारे में, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथीस अर्थात चपटे कृमि, ये जंतु प्रायः फीते के आकार के चपटे या पत्ती की आकृति के होते हैं, ये मुख्यतः परजीवी होते हैं जो कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। अब ये हमारे किसी और के शरीर में अगर रह रहे हैं तो उस दूसरे शरीर से पोषण प्राप्त करने के लिए इनके शरीर में एक विशेष अंग होता है जिसको चूषक यानी स्तकर्स या कंटक यानी हुक्स बोलते हैं, क्योंकि ये परजीवी हैं, दूसरों के शरीर में रहते हैं, तो दूसरों के शरीर से पोषण खींचने के लिए, खाना खींचने के लिए इनके शरीर में विशेष अंग पाए जाते हैं जिनको चूषक या कंटक कहा जाता है। इन जंतुओं में श्वसन और रक्त परिसंचरण तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होता है, नए नए जीव है तो इनमें अनुपस्थित होते हैं, परंतु पेशीय तंत्र विकसित होता है। याद रहता है पॉइंट, याद करना, नहीं रहता है तो नोट मत लेना, तीन तीन पॉइंट याद करने हैं केवल, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या है, फीताक्रमी, लिवर फ्लू, टैपवर्म, प्लेनेरिया और हिपेटिका आदि। चलो डायग्राम देख लो अब इसका, ये देखो इस तरह के होते हैं, ये दिख रहा है सबको, इस तरह के चपटे आकार के होते हैं, पत्ती के आकार के, चपटे आकार के, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथीस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट है हमारा नीमेटोडा। चलो नीमेटोडा, नीमेटोडा, अभी हमने क्या पढ़ा, प्लेटी हेलमिंथीस, प्लेटी हेलमिंथीस भी एक प्रकार का कृमि था, लेकिन वो कृमि कैसा था, चपटे कृमि थे, प्लेटी हेलमिंथीस प्लेट चपटी होती है तो वो चपटे कृमि थे। नीमेटोडा भी कृमि ही है, टोड से ध्यान रखना, टिड्डा टिड्डा वगैरह कृमि होते हैं ना, तो नीमेटोडा भी कृमि ही है, कीड़ा ही है, लेकिन ये गोल कृमि है, वो प्लेटी हेलमिंथीस चपटे कृमि थे, प्लेटी हेलमिंथीस है ना, प्लेटी हेलमिंथीस कैसे थे, चपटे कृमि थे, और निमेटोडा टोड से ध्यान रखना है कि ये भी एक प्रकार का कीड़ा है, कृमि है, लेकिन कैसा कीड़ा है, कैसा कृमि है, गोल कृमि है। तो निमेटेडा कैसा है, गोल कृमि है, कीड़ा मकोड़ा है, तो ये भी रोग कारक है, रोग उत्पन्न करता है, ये भी दूसरों के शरीर में रहता है, यानी कि परजीवी है, ठीक है। चलो अब इनके एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर मैं आपको क्लियर बताती हूँ कहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो निमेटोडा अर्थात गोल कृमि, इन प्राणियों का शरीर अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, अनुप्रस्थ काट याद रहता है तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिखो, इन प्राणियों का शरीर गोलाकार होता है इसलिए इनको गोल कृमि कहते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ काट याद होता है लिखो, नहीं याद होता है कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिखो, इन प्राणियों का शरीर गोलाकार होता है अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, ये जल, गीली मिट्टी या अन्य जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। तो पहला डिफरेंस, प्लेटी हेलमिंथीस जो चपटे कृमि थे वो हमेशा दूसरे शरीर में ही पाए जाएंगे, परजीवी के रूप में ही पाए जाएंगे। निमेटोडा गोल कृमि जो दूसरों के शरीर में तो पाए जाएंगे ही, लेकिन इनकी एक और कंडीशन होती है कि ये गीले स्थान पे, दलदली स्थान पे, जल में भी पाए जा सकते हैं। दूसरा अंतर समझ में आया,
अब देखो, सामान्यतः इन्हें बीमारी फैलाने वाले परजीवी के रूप में जाना जाता है। जैसे हाथी पांव नाम सुना होगा, हाथी पांव ऐसे ही एक निमेटोडा गोल कृमि के कारण होता है जिसका नाम है फाइलेरिया। हाथी पांव ऐसे ही गोल कृमि निमेटोडा के कारण होता है जिसका नाम है फाइलेरिया। इनमें भी श्वसन और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। प्लेटी हेलमिंथीस चपटे कृमि में भी श्वसन और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। निमेटोडा गोल कृमि में भी श्वसन और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, अक्सर मादा नर से लंबी होती है। जैसे अभी ऊपर हमने प्लेटी हेलमिंथीस पढ़ा, उसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते, विभाजन के द्वारा जनन हो जाता है। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, अलग अलग जनन तंत्र होते हैं इनके। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इनके एग्जाम्पल, ज्यादा जो रोग होते हैं मनुष्य में वो प्लेटी हेलमिंथिस के कारण ना होके इन निमेटोडा के कारण होते हैं। हालांकि वो भी हमारे रोग उत्पन्न करने का कारण है प्लेटी हेलमिंथिस, लेकिन ज्यादा रोग जो उत्पन्न होते हैं वो इन निमेटोडा के कारण होते हैं। एग्जाम्पल है इनका एस्केरिस, जैसे पेट में जो कीड़ा पाया जाता है, फाइलेरिया जिससे हाथी पांव होता है, पिन कृमि, हुकवम, एम्टीरोबियम या ऐसा कृमि जो गुदा द्वार में, यहाँ से जहां से हमारा मल निष्कासित होता है गुदा द्वार, वहां पे पाया जाता है एम्टीरोबियस, एस्केरिस पेट का कीड़ा, फाइलेरिया जिससे हाथी पांव होता है, और पिनक्रमि और हुकवम, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से। अब इसका डायग्राम देख लो एक बार, ये देखो ऐसा होता है, देखो गोल जैसा दिख रहा है, एकदम मोटा सा गोल, ये देखो यहाँ पर ये अलग ऐसे गोल दिख रहा है ना, गोलाकार होते हैं ऐसे। अनुप्रस्थ काट का मतलब यही है, इस प्रकार से जब आप इसको देखोगे तो ऐसे गोल मिलेगा। ठीक है, तो ये गोलाकार संरचना है, ये है क्या आपका निमेटोडा। अब आता है आपका एनीलिडा, अगला हमको क्या पढ़ना है, एनीलिडा। एनीलिडा अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो अब मैं 2 मिनट रुक रही, आप लोग पूछ लो। आ गया क्या सबको सब समझ में? क्वेश्चन पूछ लो, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो, क्योंकि 9 जंतु हैं, 9 में से एक में भी कंफ्यूजन हो गया तो फिर आगे वाले में दिक्कत आएगी, है ना। तो एक बार मैं लास्ट में हालांकि कंक्लूड करूंगी सारा, पर आज की क्लास में वो नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी तक में जो भी अगर क्वेश्चन आया है, डाउट आया है, तो आप एक बार मेरे से क्लियर कर लो। अगला आपको पढ़ना है एनीलिडा। एनीलिडा का मतलब क्या होता है, खंड वाला। एनीलिडा लीड, देखो एनीलिडा लीड कैसे याद रखोगे, लीड से याद रखना, लीड में है, खंड में है। ठीक है, खंड में है, खंड खंड युक्त होते हैं ये। कैसे याद रखोगे, जब हम किसी की लाइन में खड़े होते हैं तो कोई और लीड में होता है, फिर उसके पीछे कोई होता है, फिर कोई पीछे होता है, फिर कोई पीछे होता है, तो लीड में क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक होते हैं। वैसे इनमें भी एक के बाद एक के बाद एक खंड बने होते हैं, तो एनीलिडा क्या होते हैं, खंड युक्त कृमि होते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, एनीलिडा का मतलब समझ में आ गया, खंड युक्त कृमि होते हैं जिनको हम बोलते हैं एनीलिडा। इनका डायग्राम अगर आप देखोगे तो अभी आपको समझ में आएगा। डायग्राम देखो बनता जाता है आपसे तो बहुत अच्छी बात है, बनाते जाओ। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे डायग्राम लेकर आई हूँ ताकि आपको थोड़ा कलरफुल दिखे, समझ में आए। मैं अपने हाथ से डायग्राम बना के लेकर आती तो वो इतने क्लियर नहीं होते और आपको डिफरेंस नहीं समझ में आता। यहाँ पे ये कलरफुल डायग्राम की वजह से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आप आराम से कहीं से भी एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी वगैरह बुक लेने की आपको जरूरत नहीं, आप इस पे चले जाओ इंटरनेट पे, इनका नाम डालो और आपको समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम बना दोगे तो और अच्छी बात है। चलो, एनीलिडा का मतलब मैंने बताया, अब खंड युक्त कृमि होते हैं, कैसे होते हैं ये देखो, ये दिख रहा है इनके, ये जब इसको आप तोड़ोगे, एक सेकंड देखो अगले डायग्राम में आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ ये देखो, जब इसको आप तोड़ोगे तो ये ऐसे ऐसे खंडों में है, छोटे 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 खंडों में, ये देखो यहाँ पे ये एक खंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये ऐसे ऐसे खंडों में बटा हुआ है। यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो ये ऐसे खंडों में है ना, ये यहाँ पर भी देखोगे तो एनीलिडा का मतलब क्या होता है, खंड युक्त कृमि, खंड युक्त कृमि। एक सेकेंड रुक जाओ, अभी हमने इनका शरीर देखा तो कैसा था, इस टाइप से कुछ शरीर था इनका, इसी टाइप से था। तो खंड युक्त होते हैं
पतला और बेलनाकार और कोमल शरीर होता है। अब इनकी एक पर्टिकुलर बहुत अच्छी विशेषता है एनीरिडा की। अभी तक हमने जितने भी जीव पढ़े उनमें कोई उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो विशेष प्रकार का नहीं होता है, लेकिन एनीलिडा में, अब ये कैसे याद रखो कि आप एनीलिडा लीड कर रहा है, तो लीड कर रहा है तो कोई पर्टिकुलर बहुत अच्छी चीज है उसके पास जिसकी वजह से वो लीड कर रहा है ना। लीड का मतलब होता है नेतृत्व कर रहा है, तो लीड कर रहा है तो उसके पास एक अच्छी चीज क्या है, उसके पास एक अच्छा उत्सर्जन तंत्र है, एक विशेष उत्सर्जन तंत्र है। उस उत्सर्जन तंत्र का नाम होता है नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया किसके पास है, एनीलिडा के पास, उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है। उसके बाद प्रचलन के लिए, अब ये एनीलिड है, लीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं तो आगे जाने के लिए, जो नेतृत्व करता है उसको आगे जाना होता है, चलना होता है, तो एनीलिडा को लीड करने के लिए, चलने के लिए विशेष प्रकार के पैर मिले होते हैं, विशेष प्रकार की संरचना मिली होती है, उस संरचना को हम बोलते हैं सीटी। क्या बोलते हैं, सीटी। प्रचलन के लिए इनके शरीर के निचली सतह पर छड़ नुमा रचनाएं होती है जिन्हें सीटी कहते हैं। अब एनीलिडा का उदाहरण है केचुआ, जोंक, नेरिस आदि, ठीक है। अब मैं जितना आपको आज पढ़ाया उतना कंक्लूड कर रही हूँ, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। चलो, आज हमने पहले सबसे पहले पढ़ा जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत के वर्गीकरण में हमने दो भाग देखे, कशेरुकी और अकशेरुकी। इसका अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने शुरू किया था अकशेरुकी से। अकशेरुकी में मैंने आपको नौ प्रकार बताए थे, जिसमें से आज अभी जो हमने जो जो पढ़ा है मैं उसको कंक्लूड कर रही हूँ वापस से। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ के बाद हमने पढ़ा था पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद में हमने पढ़ा था सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद में हमने क्या पढ़ा था, प्लेटी हेलमिंथिस के बाद हमने पढ़ा था निमेटोडा, और इसके बाद हमने पढ़ा था एनीलिडा। तो टोटल हम कितने पढ़ चुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तीन और बचेंगे, वो कल की क्लास में देखेंगे, इनको एक बार देख लो। प्रोटोजोआ की बात अगर मैं करूं सबसे पहले, एक सेकेंड, प्रोटोजोआ, तो प्रो से मैंने आपको बताया था, प्रो यानी प्रारंभिक, तो प्रोटोजोआ प्रारंभिक जंतु था, प्रारंभिक था इसलिए सरल था, तो एक कोशिकीय था, एक ही कोशिका थी, तो जनन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, तो अपने आप को तोड़ के ही बच्चे पैदा करता है। तो प्रोटोजोआ में कोशिका विभाजन के द्वारा जनन होता है, और इसका उदाहरण हमने पढ़ा था अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, और इसके बारे में एक विशेष चीज बताई थी कि इनका आकार अनिश्चित होता है। प्रोटोजोआ के 5 पॉइंट हो गए। पोरीफेरा, पोरीफेरा में मैंने बताया था पोरस, पोरस यानी कि छिद्र, तो इनका आकार छिद्रनुमा होता है, उन छिद्रों को ऑस्टिया बोलते हैं। फिर छिद्रनुमा होता है, और क्या बोली थी दूसरी चीज, कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय तो होते हैं, लेकिन तीसरी चीज क्या बोली थी, इनमें उत्तकों का अभाव होता है। अब क्योंकि बहुकोशिकीय लेकिन उत्तकों का अभाव है, तो क्या विशेषता हुई इनकी कोशिकाओं की, कि इनकी कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य अलग अलग तरीके से करती है, उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं पाया जाता है। अगली विशेषता क्या बताई थी, कि ये जिस तरह से पौधे किसी चट्टानी संरचना से चिपके रहते हैं, उसी प्रकार से पोरीफेरा भी समुद्री संरचनाओं से चिपके हुए रहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था स्पॉन्ज, इसके अलावा मायोनिया, यूस्पॉन्जिया आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर तीसरा हमने पढ़ा था सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में मैंने आपको छतरीनुमा आकृति बनाई थी, तो उस छतरीनुमा आकृति को हम सिलेंट्रेटा बोलते हैं। छतरीनुमा या बेलनाकार इसकी संरचना होती है। सिलेंट्रेटा से ऐसी छोटी छोटी कोशिकाओं से निकला हुआ था, जिसको हमने दंश कोशिकाएं बोला था, जो इनके शत्रुओं को पकड़ने में और अपनी रक्षा करने के काम में आती है। क्योंकि ये दंश कोशिकाएं थी, एक पर्टिकुलर काम कर रही थी, तो उससे मैंने आपको बोला था याद रखना कि ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें उत्तक पाए जाते हैं। सिलेंट्रेटा का उदाहरण था हाइड्रा, मूंगा, जिसमें से मूंगा जो है वो जातियों में समूह में रहना पसंद करता है, और हाइड्रा जो है वो अकेले रहना पसंद करता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेट के नाम से मैंने बोला था कि जैसे प्लेट चपटी होती है, वैसे प्लेटी हेलमिंथिस को चपटे क्रमी बोला जाता है। ये रोग कारक होते हैं, दूसरे के शरीर में रहते हैं, यानी परजीवी है, क्योंकि दूसरे के शरीर में रहते हैं तो वहां से पोषण प्राप्त करने के लिए इनके शरीर में विशेष संरचनाएं पाई जाती है, जिनको चूषक या हुक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था फीताक्रमी, प्लेनेरिया आदि। फिर हमने पढ़ा था निमेटोडा। निमेटोडा को मैंने बोला था टोड से, याद रखना कि टोड भी एक कीड़ा होता है, इसलिए निमेटोडा भी एक प्रकार का क्रमी है, लेकिन ये गोल क्रमी है क्योंकि इनकी संरचना गोलाकार होती है। प्लेटी हेलमिंथिस से ये इस प्रकार से अलग है कि प्लेटी हेलमिंथिस हमेशा परजीवी ही होता है, लेकिन निमेटोडा परजीवी तो होता ही है, पर कभी कभी ये गीली संरचनाओं में, जल आदि में पाया जाता है। ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, जैसे हाथी पांव फाइलेरिया की वजह से होता है। इसके अलावा पेट के कीड़े को एस्केरिस बोलते हैं।
फिर हमने अगला पढ़ा एनिलीडा। एनिलीडा से मैंने लीड में बोला था कि लीड जो लीड करता है उसके पीछे एक के बाद एक के बाद एक ऐसे खंडों में लोग खड़े रहते हैं, तो एनिलीडा खंड युक्त क्रमी होता है। फिर जो लीड करता है उसको आगे चलने के लिए पैर चाहिए, तो इनके लिए संचालन के लिए प्रचलन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिनको सीटी बोलते हैं। ठीक है, एनिलीडा का उदाहरण था केचुआ, जोंक आदि। तो अब मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा, डायग्राम्स भी आपके पास है, समझ लो अच्छे से। कुछ भी समझ में नहीं आया हो अभी भी क्वेश्चन डाल देना, अभी तो आपकी क्लास ओवर होती जा रही है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन डाल देना, मैं आपको वहां से समझा दूंगी, या कल की क्लास में आपको समझा दूंगी। एनिकल किंगडम का क्लासिफिकेशन, ये ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था जब हमने प्लांट एनिमल का पढ़ा था, प्लांट किंगडम का ओसवाल्ड टिप्पो। ठीक है, चलो कुछ भी अभी भी समझ में नहीं आया हो, आप आपके टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन डाल देना, मैं वहां से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये पूरा चैप्टर हमारा हो जाएगा कल, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस आपको दूंगी। ठीक है।